ज्योतिराय सिंधिया ने कहा कि मैं जात महाराज हूं, मेरे चार पीढ़ियां 300 साल की हमारी विरासत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत ने, विरासत की संपत्ति के आप अधिकारी हो और उस पर आपको गर्व महसूस होता है। तो आपको, आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? और ये बात हमारे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनको क्या जवाब दें आप? ये स्पष्ट क्यों नहीं करते ज्योतिराय सिंधिया जी? बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषण, नुक्कड़ सभाओं पे आके टिक गई आपकी लोकप्रियता। किस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की जनता को छला, यहाँ के किसान को छला, यहाँ के गरीब आदमी को जिसको बिजली से बिल से राहत मिलती थी उसको छला, और अब आपके पास बताने के, कहने के लिए कुछ नहीं। तो कमलनाथ जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, आपके आरोप हैं, एक भी आपने मंत्रियों का समूह बनाया उन डिसीजनों को लेने के लिए, आज तक वो मौन है, चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? आरोप लगाने से पहले आपके पास ताकत है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अब जब विरासत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत गद्दारों की है, तब आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित थे। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर अगर आप ईमानदार हो, जनसेवक हो, मेरे से ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, तो आगे रह के सरकार को क्यों नहीं आवेदन करते? हमने तो मांग की, हम अभी भी मांग कर रहे हैं, प्रभात झा ने मांग की, आपकी शिकायतें हुई, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर मौन क्यों हो?